इस वीडियो में चार अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी सबसे अहम तरीन अपडेट इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से है जो कि वीडियो के आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि क्या खबरें इस हवाले से आ रही है और उससे पहले आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है और उससे पहले इमरान खान की ना अहली और इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान के बड़े शहरों में पी की क्या सूरत हाल है इस वीडियो में आपके साथ ये सब कुछ शेयर करेंगे बिसमिल रमान रहीम असल मैं हूँ सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टी आज पाकिस्तान की पोलिटिकल तारीख का पाकिस्तान पाकिस्तान की अपनी तारीख का एक बड़ा ही अहम तरीन दिन था जुमे की नमाज के फ़ौर बाद जो है इमरान ख़ान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से एक फ़ैसला आता है जिसमें उनको नाअहल कर दिया जाता है कि वो इस मौजूदा इसम्बली में बैठ नहीं सकते अलबा अगले इलेक्शन जब भी होते हैं जब भी ये इसम्बली डिजॉल्व होती है अगले इलेक्शन के लिए वो अहल होंगे बड़ा ही अहम तरीन फैसला था और ये उनको तोशा खाना रेफरेंस केस में जो है जो घड़ियाँ उनके हवाले से कुछ क्लेम किया जा रहा था कि तोशा खाना से उन्होंने घड़ियाँ चोरी की थी इस तरह के कुछ इल्ज़ाम लगाए गए थे इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल कर दिया इस नााहली की ख़बर पर एक दिन पहले अर्शद शरीफ ने एक व्लॉग किया था जो एर वाई के सहाफ़ी थे अब पाकिस्तान में नहीं हैं और क्यों नहीं है वो भी आप सब लोग बखूबी जानते हैं अर्शद शरीफ ने यह दावा किया कि जनाब इमरान ख़ान को ना अहल करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था अलबत्त दो जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स थे उन्होंने इनकार कर दिया कि हम किसी सूरत इन इमरान ख़ान को नाअहल नहीं कर सकते उनकी कानूनी तौर पर नाअली नहीं बनती अलबत्त अरशद शरीफ ने दावा किया कि फिर उनको प्रेशराइज किया गया और वही हुआ कि आज इमरान ख़ान को नाअहल कर दिया गया बहुत से हल्के और पी टी आई के कुछ जो मेम्बर्स थे कुछ रुकन थे उनका ये ख्याल था कि इमरान ख़ान को बिल्कुल नाअहल नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके पास अवामी ताकत है तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कभी हो सकता है कि पाकिस्तान में किसी के पास अवमी ताकत हो और उसको फिर भी ना अहल नहीं किया जा सकता तो पाकिस्तान में तो ऑन ड्यूटी वज़ी अज़म को वज्राज़म को जो है ना अहल किया गया है उनको गिरफ़्तार किया गया है उनको फांसी चढ़ाया गया है तो इमरान ख़ान को अहल करना कोई बड़ी बात नहीं अलबतः इमरान ख़ान के साथ जो मामला हुआ है ना अली के मामले में नवाज़ शरीफ के साथ कंपेयर किया जाए तो इमरान खान के साथ बहुत नरमी बरती गई है मतलब वो सिर्फ ये इस इस असम्बली में नहीं जा सकते अगली इसम्बली मैक्सिमम जो है ये अक्टूबर 2023 तक चल सकती है उसके बाद इमरान खान दोबारा इकतदार में या इसम्बली में जा सकते हैं पहली खबर तो ये थी दूसरी खबर जो अहम तरीन खबर है कि जिस वक्त ये खबर आती है इमरान खान की नाअहली की और उसी वक़्त उसी के यानी कि दो तीन मिन बाद जियो न्यूज़ ये खबर एयर करता है कि जनाब आर्मी चीफ़ का एक बयान आया है ज़रा से चलाया जाता है कि आर्मी चीफ़ ने यह बयान दिया है कि पांच हफ़्ते बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा और अब पाकिस्तानी सियासत में फ़ौज का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होगा और साथ में उन्होंने ये इशारा दिया है कि अगले आर्मी चीफ़ के हवाले से भी फैसले हो चुके हैं अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा पाँच हफ़्तों में वाजे हो जाएगा कौन सा नाम सामने आता है इमरान ख़ान साहब की इस हवाले से बहुत तहफात है वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ़ जो है वो मेरी मर्ज़ी का लगाया जाए वज़ी अजम साहब चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं पी डी एम पूरी चाहती है कि आर्मी चीफ़ हमारी मर्ज़ी का हो और इस, इस वक्त में इस इस टाइम पर जिस टाइम इमरान ख़ान की ना की खबर चल रही है और उसी वक़्त आर्मी चीफ का बयान आना बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि एक एतफाक़ हो गया एतफाक़ तो ख्याल नहीं है सबको पता होता है सब कुछ प्री प्लान होता है और उसी टाइम ये बयान चलाया गया आर्मी चीफ़ का ये बयान कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा ये भी एक पॉजिटिव बयान है अच्छी बात है कि अब मेरे ख्याल से तमाम सियासी जमातों को इस पर बैठना चाहिए कि आर्मी चीफ़ की जो मुदत मुलाजमत है वो तीन साल से दो साल कर दे और बिल्कुल पाबंदी लगा दे अगर तीन साल भी आपने रखनी है तो किसी आर्मी चीफ़ को किसी सूरत भी एक्सटेंशन नहीं मिल सकती आर्मी चीफ ने यह बयान दिया कि हमारा सियासत में अब कोई किरदार नहीं होगा आप देख सकते हैं कि इस बयान से वाजे होता है कि शायद माजी में आप लोगों का किरदार रहा है तो माजी के बयान पर आर्मी चीफ का क्या कहना है पूरे के पूरे अफवाज पाकिस्तान के इदारे का क्या कहना है आई एस पी आर का क्या कहना है यह भी वाजे वाजह करने माजी में आया कि, कि आप लोग सियासत में मुदाखलत करते रहे या नहीं की तीसरी अहम तरीन खबर ये इन सब कुछ होने के बाद जो है पी टी आई के जो कारकुनान हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं पहले तो हमने देखा कि शायद ही किसी चौक वगैरह पर आपको दो सौ तीन सौ या सौ के करीब कारकुन थे लेकिन अब पाकिस्तान के बड़े शहरों में बिलखसूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और लाहौर में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो चुके हैं लाहौर की मेन शाहराओं को बंद कर दिया गया लाहौर से बाहर जाने वाले जो मेन रोड्स है या लाहौर के अंदर आने वाले रोड्स हैं उनको बंद कर दिया गया इसी तरह पिंडी इस्लामाबाद और पशावर मोटरवे के ऊपर भी रास्ते बंद कर दिए गए तो अब बड़ी तादाद में जो है पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो बाहर सड़कों पर आ रहे हैं छोटी अहम तरीन खबर जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है इमरान खान की नााहली की वजह इमरान खान ने अपनी नााहली पर अपना एक वीडियो बयान जारी किया है और उन्होंने उसमें वाज तौर पर इशारा किया है कि मुझे गिरफ़्तार करने वाले हैं और शायद ये मेरा आखिरी बयान हो तो अगर कुछ लोग ये समझते जिस तरह फवाद चौधरी साहब कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे कि इमरान ख़ान को किसी का बाप भी ना अहल नहीं कर सकता वो तो हो चुका है लेकिन अगर कोई ये ख्याल रखता है कि इमरान खान को इसके बाद गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा तो ये भी उसकी गलत सोच है इमरान खान को शायद गिरफ़्तार किया जाए और इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी में शायद हुकूमत का इतना फ़ायदा ना हो पी का इतना फ़ायदा ना हो लेकिन इमरान खान का शायद सियासी तौर पर फ़ायदा हो जाए हालात देखते हैं किस तरफ जाते हैं जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे आपकी इस वाले से जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रख सकते हैं अल्लाह हाफिज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें